हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी आप देख सकते हो मौसम काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दिनों बाद आज बारिश नहीं हो रही है और पहाड़ों में आजकल रोपाई हो चुकी है लगभग पूरी जगह पे। देख सकते हो आप, यहाँ पर सारे खेत लग चुके हैं और ये है मेरा घर। आज भी शुरुआत करते हैं अपने घर से और अपने गाँव से और इन सुंदर से पहाड़ों से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप भाई जी, यहाँ पर भैंस के लिए किल्ला बना रहे हैं। किल्ला आपने देखा होगा, ये लकड़ी का रहता है, तो ये बना रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप। तो ऐसा भी होता है पहाड़ों में, तो भैंस को इस पर बांधा जाता है और तब जाके भैंस वहीं पे रहता है एक जगह पे। तो कुछ ऐसी बातें हैं पहाड़ों की। और यहाँ पर बैठ रखी है प्रियांशी, तो प्रियांशी से मिलाते हैं आपको। तो प्रियांशी भाग रही है, तो प्रियांशी अभी बिल्कुल भी कैमरे पे नहीं आना चाहती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसको गुस्सा आ रखा है अभी। और ऊपर से भाई जी भी देख रहे हैं हमको, तो वो भी ब्लॉग में आएंगे थोड़ी देर में, दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर देखिए हमारे चाचा जी भी हैं, तो चाचा जी यहाँ पर शर्ट के बटन खोल के फुल फॉर्म में चल रहे हैं। पर है एक कुत्ता जो कि सेम ब्राउनी की तरह दिखता है। ब्राउनी को तो आप जानते होंगे, शायद कुछ लोग जानते होंगे, जो कि हिमाचल वाले का कुत्ता है। और यहाँ पर प्रियांशी खेल रही है। वो ठीक हमारे घर के ये नीचे में ये खेत है जिसमें कि कल ही रोपाई लगी है, देख सकते हो आप। तो कुछ इस तरह से ये किल्ला बनाया जाता है। ये जो निचला भाग होता है, ये छिला हुआ भाग, ये डाला जाता है गड्ढे में और इसको अच्छी तरीके से दबा करके ये किल्ला बनाया जाता है। और इसमें बांधी जाती है भैंस की रस्सी, यानी कि दवा, गढ़वाली में बोले तो दवा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जा रहा हूँ मैं रोड की तरफ, क्योंकि दिन भर घर में रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो अभी थोड़ा घूमने के लिए रोड में जा रहा हूँ। और देख सकते हो मेरे पैर में जो चोट लगी थी, मैं पिछले ब्लॉग में ही बताया था आपको, तो वो ऐसी है अभी, नाखून पूरा उखड़ा नहीं अभी तक। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको। और ये है कुछ मेरे गांव का व्यू, काफ़ी सुंदर है। तो दोस्तों ये है हमारे यहाँ का सेरा, यानी कि रोपाई वाले सारे खेत यहीं पे हैं और कुछ खेत ऊपर की ओर हैं जो कि लगभग लग ही चुके हैं। आजकल रोपाई पूरी हो ही चुके हैं, लगभग एक या दो खेत बाकी हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको। पर है एक कुत्ता जो कि आप देख सकते हो, ये यहाँ पर कैमरे पे देख रहा है। और मौसम की बात करें तो काफ़ी अच्छा मौसम है आज का, हल्के फुल्के बादल भी लगे हैं। खेत जिसमें कि नाच डाल रखे हमने बिन्ना, और यहाँ पर मिली मुझे मम्मी जी। तो मम्मी जी बोल रही हैं कि मेरी एक फ़ोटो खींच। तो यहाँ पर आ रही है अनुष्का और उसकी मम्मी, मतलब कि चाची जी। कब जाने वार? पानी के? अच्छा ठीक, तो जाता हूँ। बाय बाय। तो आजकल गांव में मतलब कि 2-3 महीने से पानी नहीं आ रहा है, तो इसलिए सभी लोग धारे पे जा रहे हैं। और अभी आ रखे हम रोड से थोड़ा आगे, मतलब कि नेल गांव में। यहां पर एक छोटी सी दुकान है और कुछ बच्चे यहां पर खेल रहे हैं और लगभग सभी अपना काम धंधे पे लगे हुए हैं। और आ चुके हैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर। क्या नाम है आपका? झुंतू। और हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं हमारा मुंह, और देख सकते हो आप यहाँ पर शिव सिंह आ चुके हैं हमको मिलने। गाना बंद करो। और हेलो गाइस, कैसे चिता रहे हो आप? हम एकदम बढ़िया चिता रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हो आप घूमने? अभी हम जा रहे हैं मंजाड़ी के गदरे।
दोस्तों यही होता है, अक्सर हमारे लोकल सब्सक्राइबर हमको मिल जाते हैं और अब इनके बाल खड़े हो गए हैं। और ये है सिब्बू पंडित सिंह पंडीर, जो कि हम रौनक बरतवा से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, हम इन्हें बहुत प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं इन्हें कि ये अपना ब्लॉग बहुत ही आगे बढ़ाए। अच्छा, हद से ज्यादा मत जाइए आप। नहीं नहीं, हम सही कह रहे हैं कि आप अपना ब्लॉग को अच्छे से अच्छा बनाएं और कुछ अच्छी चीजें रखें ब्लॉग बनाने के लिए। ठीक है सर। हाँ, हमारी यही ख्वाहिश है आपसे कि आप अपना ब्लॉग बहुत ही अच्छा बनाएं। ओके सर, थैंक्स। और कुछ कहना चाहोगे? और कुछ नहीं, हम कहना चाहेंगे। ठीक है ठीक है। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम घर, और घर जाते जाते मिले मेरे को यहाँ पर अर्जुन भाई, बहुत पुराने दोस्त हैं, मतलब कि 7-8 सालों से जानता हूँ इनको। तो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, काफ़ी अच्छा लगता है मिलके अर्जुन भाई से। अर्जुन भाई कुछ बोलेंगे? अरे क्या बोलें भाई साहब, 6 साल से मिलने बंदे हुए यार, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ जी, पुराने दोस्त थे हम। हाँ जी, बस आज मिल गए थोड़ा ज़रा। ठीक है सर,